हेलो फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में हमने विनिमय दर के बारे में पढ़ा था और विनिमय दर में मैंने ये बताया था आपको कि विनिमय दर के अंदर आपको स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं, उसके गुण क्या होते हैं और उसके दोष क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नम्य विनिमय दर के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? नम्य विनिमय दर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, नम्य विनिमय दर क्या होता है? उसने बोला इसको नम्य विनिमय दर प्रणाली भी बोलते हैं। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, नम्य विनिमय दर प्रणाली, या इसको स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली भी बोलते हैं, या इसी को लोचशील विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोचशील विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं। तो स्वतंत्र, लोचशील बोलो या नम्य बोलो, ये कौन सी होती है बच्चे? ये वो विनिमय दर होती है जो कि मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो किससे निकलेगी? मांग और पूर्ति के द्वारा निकलेगी, वो हमारी नम्य होती है। और जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, यानी जो सरकार के द्वारा तय की जाती है, वो हमारी वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है। हमने पढ़ लिया था। तो नम्य विनिमय दर प्रणाली वो प्रणाली है, यानी नम्य विनिमय दर वो दर होती है जो विदेशी बाजार में विभिन्न करेंसियों, जो आपकी करेंसी चल रही है, उनकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। उसे हम नम्य विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। यानी नम्य विनिमय दर प्रणाली वो प्रणाली है जो कि बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगी। डन। उसके बाद हमारे पास है नम्य विनिमय दर प्रणाली के लाभ और या फिर गुण बोल सकते हो आप। तो पहला आपके पास है, इसके अंतर्गत स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको ध्यान हो तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में हमने कहा था कि वहां पे स्वर्ण भंडार की आवश्यकता होती है, ठीक है, बट यहाँ पे स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू, जो संसाधन होते हैं वहां पे इसका जो है अनुकूलतम बंटवारा होता है। अनुकूलतम बंटवारा मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करो या ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलोगे आप कि जो आप रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनका अनुकूलतम नहीं सही तरीके से क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, ठीक है ना। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट आ गया, कैसा हो रहा है वो, अनुकूलतम हो रहा है। उसके बाद आ गया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है। यानी मुद्रा बाजार में देखेंगे तो पूंजी में क्या मिलेगी, गतिशीलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण में तो डील हो नहीं रहा, यानी सोने में डील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है गतिशीलता आपकी पाई जाएगी। और लास्ट है जोखिम पूंजी, जो मैंने आपको बताया था वेंचर कैपिटल होती है। वेंचर कैपिटल यहाँ पे इसने बोला वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहित करता है, यानी यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। ये पॉइंट मैंने अच्छे से डिस्कस किया था वहां पे भी, ठीक है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के जो हमने लाभ पढ़े थे वो लगभग इसके क्या नाम है, दोष बनने वाले हैं, और जो मैंने उसके दोष पढ़े थे वो इसके हमने क्या क्या बनने वाले, लाभ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखना एक दूसरे से मैच करते होंगे लगभग। तो नम्य विनिमय दर प्रणाली कौन सी प्रणाली है? इसमें बोला ये वो दर होती है जो कि मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो भी करेंसी आपके बाजार में चल रही है उसकी मांग और पूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती है, उसे कहते हैं हम नम्य। जो सरकार के द्वारा तय होती है उसे हम कहते हैं स्थिर। नम्य विनिमय दर प्रणाली के लाभ क्या है? पहला, स्वर्ण भंडार की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। नंबर टू, इसके अंदर संसाधनों का जो होगा वो अनुकूलतम, यानी बिल्कुल सही तरीके से बंटवारा होगा। नंबर तीन, पूंजी की जो गतिशील पूंजी में जो है गतिशीलता पाई जाएगी, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार जो चल रहा है आपका उसमें गतिशीलता आपकी पाई जाएगी। और नंबर चार आपके पास है कि जोखिम पूंजी को प्रोत्साहित करता है, जोखिम यानी वेंचर कैपिटल यहाँ पे करेज होगी, यानी प्रोत्साहित होगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप सामने देखिए, अब आ गया आपके पास नम्य विनिमय दर, यानी नम्य विनिमय दर प्रणाली की आपकी हानियां, यानी हानियां बोल दो या फिर क्या बोल सकते हो आप इसे, दोष बोल सकते हो। तो देखो कि नम्य विनिमय दर प्रणाली में आपको बेसिकली बता चुका हूँ कि मांग और पूर्ति पे होती है। निर्धारित कैसे होती है? मांग और पूर्ति पे होती है। देखो नीचे भी मैंने दोबारा लिख दिया एक बार और, ठीक है, कि नम्य विनिमय दर का निर्धारण जो होता है, नम्य विनिमय दर का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में, यानी जो आपका मुद्रा बाजार जो चल रहा है उसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। और इसे स्वतंत्र विनिमय दर भी कहते हैं, इसे लोचशील विनिमय दर भी कहते हैं। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मांग और सप्लाई तो हर मिनट हर सेकंड चेंज होती है, इसका मतलब क्या है, ये अस्थिर वाली है। इससे आप ऑलरेडी पढ़ चुके, ये अस्थिर वाली है। तो इसके कारण क्या होता है, बाजार में अस्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अस्थिरता पाई जाती है, नंबर वन दिक्कत ये है इसका। दूसरा, हर सेकंड में जो आपके जो रेट होते हैं वो चेंज होते हैं, जिसके कारण जो आयात और निर्यात से संबंधित अगर कोई नीति बनानी होगी ना, तो वो नीतियां बनाने में भी दिक्कत होती है। अगर कोई पॉलिसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर पॉलिसी बनानी है, तो वो जो रेट में जो बार 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 चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण पॉलिसी बनाने में दिक्कत होती है, बाजार में अस्थिरता पाई जाती है। दो, नंबर तीन,
द्विपक्षीय समझौते, अगर आप कोई दो पक्षीय मतलब कि एक देश का दूसरे देश के साथ अगर जो भी करता है या फिर कोई भी अगर दो पक्षीय समझौता अगर हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत होती है। उसका रीजन भी यही है कि जो आपका जो दर है वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर, चाहे देख सकते हो, दिन प्रतिदिन विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव, यानी विनिमय दर जो कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ठीक है, के कारण द्विपक्षीय समझौते में क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, बाधित करता है, उसमें रुकावटें पैदा करता है। तो हमने इसके दोष पढ़ लिए। दोष में पहला है बाजार में अस्थिरता पाई जाती है। नंबर दो, आयात और निर्यात संबंधित नीतियां बनाने में दिक्कत होती है। नंबर तीन है द्विपक्षीय समझौता, यानी जो व्यापार समझौता होता है उस कठिन होता है। क्यों? दिन प्रतिदिन जो आपके जो रेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा होते हैं, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, बाधित होता है। तो नम्य विनिमय दर प्रणाली वो प्रणाली जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका निर्धारण जो होता है दर का वो कैसा होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। और स्थिर विनिमय दर प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, सरकार करती है, यानी वहां पे वो स्थिर रहता है। तो देखो आपको मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी आराम से मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। दो पार्ट मैंने बना दिए हैं, दो पार्ट का और ये चैप्टर रह गया, जिसमें हमें एक तो काफी इंपॉर्टेंट जो थर्ड पार्ट है वो, थर्ड और फोर्थ पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें जो है एम कॉम लेवल तक उसके अंदर से पूछा जाता है, लगा लो। अब इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट, खासकर फोर्थ पार्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एम कॉम लेवल तक पूछा जाता है। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको सारा डेटा यहाँ पे मिलने वाला है। इवन जो आप बोलोगे जिसके ऊपर टॉपिक बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे, इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।